डेंगू के डंक से कहां कहां पर मचा है हाहाकार। क्या फिर से चमकी बुखार का शिकार बनेगा बिहार। कहां पर लैंडस्लाइड की वजह से जाम हुआ हाईवे और छात्राओं ने हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ क्यों खोला मोर्चा। राज्यों की बड़ी खबरें आप देखिए टॉप नाइन राज्य विशेष में। मध्य प्रदेश के इंदौर में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब तक 200 मरीज सामने आ चुके हैं। डेंगू से एक मरीज की मौत भी हुई है। नगर निगम फॉगिंग तो कर रहा है लेकिन उसके बावजूद भी केस बढ़ते ही जा रहे हैं। बिहार में वायरल फीवर, डेंगू और स्वाइन फ्लू के ट्रिपल अटैक के बाद अब चमकी बुखार ने भी पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से एक बच्चे की मौत हुई है। वहीं SKMCH में चमकी बुखार से पीड़ित 53 बच्चों का इलाज अभी चल रहा है। केरल में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन इसी बीच राज्य सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन को पूरी तरह खत्म करने का फैसला किया है। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 20,487 मामले सामने आए हैं, वहीं 181 लोगों की मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते पहाड़ दरक रहे हैं। डलहौजी में भी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड का मलबा नीचे आकर 2 गाड़ियों पर गिर गया जिसमें गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भी लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे जाम हो गया। पहाड़ टूटने के कारण सेब बागवानों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जूरी के पास भी नेशनल हाईवे पर मलबा पड़ा है जिसे हटाने का प्रयास किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बाढ़ ने हाहाकार मचाया हुआ है। बाढ़ के प्रकोप के चलते एक शख्स की मौत हो गई है, वहीं कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। कुलगाम में भी बाढ़ में फंसे 5 लोगों का रेस्क्यू पुलिस ने किया है। बिहार के भागलपुर में अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास की छात्राओं ने आज हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और जमकर प्रदर्शन किया। छात्राओं का कहना है कि अगर हॉस्टल में उनका भाई भी मिलने आता है तो सुपरिटेंडेंट नाहिदा नासरीन उसे बॉयफ्रेंड बताती हैं। मेडिकल में एडमिशन के लिए अनिवार्य नीट परीक्षा में आज लाखों छात्र शामिल हुए। देश के 202 शहरों के 3800 से ज्यादा सेंटर्स पर एग्जाम लिया गया। कोरोना काल के बीच भारत समेत दुबई और कुवैत में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। यूपी में एटा के बिलसट गांव में खुदाई के दौरान 1500 साल पुराने मंदिर के अवशेष मिलने की बात कही जा रही है। जानकारी के मुताबिक पुरातत्व विभाग को खुदाई के दौरान मंदिर के 2 खम्बे, नीचे की तरफ जाने के लिए सीढ़ियां और एक टूटी फूटी बैल की मूर्ति मिली है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।